बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको आईफोन 6s की चार्जिंग स्ट्रिप रिप्लेस करना बताऊंगा। सबसे पहले LCD कैमरा स्ट्रिप और फिंगर स्ट्रिप को बोर्ड से डिसकनेक्ट करेंगे और फर्स्ट स्टेप में इसके सबसे पहले स्क्रू खोलेंगे। सबसे पहले रिंगर के स्क्रू खोलेंगे और स्टेप बाय स्टेप स्क्रू खोलने हैं और चार्जिंग जैक के चार स्क्रू लगे हुए होते हैं। ये देखिए, आपके सामने स्क्रू खोल रहा हूँ। और ये देखें, रिंग के भी स्क्रू लगे हुए होते हैं और आप हैंड फ्री के भी स्क्रू खोलेंगे। और इसके दो स्क्रू लगे हुए होते हैं और ये अब आपके सामने सारे स्क्रू ओपन हो गए हैं और इसकी स्ट्रिप को इसके बोर्ड से डिसकनेक्ट करेंगे और रिंगर को भी रिंग से बाहर निकालेंगे। एंटीने के नीचे भी स्क्रू लगा होता है, उसको भी ओपन करेंगे। ये देखें, अब रिंगर को रिंग से अलहदा करेंगे और इसका एंटीना भी इस रिंगर स्ट्रिप के ऊपर लगा हुआ होता है। ये देखें, इसको भी साइड पे रख देंगे। और अब स्ट्रिप को रिंग से उतारेंगे क्योंकि इसके नीचे ग्लू लगी होती है। ये देखें, इसके माइक से भी एहतियात से उतारना है ताकि ये आसानी से उतर जाए। और हैंड फ्री जैक को भी उतारेंगे। ये देखें, स्ट्रिप रिंग से अलहदा हो गई है और इस बात का एहतियात रखना है कि जो ओरिजिनल स्ट्रिप है उसका एंटीना ही दूसरी स्ट्रिप पे लगाना है। यह न्यू स्ट्रिप है अब न्यू स्ट्रिप को भी रिंग के अंदर बिठाना है एहतियात के साथ। वो देखें, इसके हैंड फ्री जैक की भी फिटिंग एहतियात के साथ करनी है और जैक को भी मजबूती के साथ लगाना है। ये देखें, अब फ्लेक्स को रिंग के साथ चिपका देना है। ये देखें, फ्लेक्स चिपक गई है और अब वापस सब स्क्रू रिंगर वगैरह लगाएंगे लेकिन अच्छे तरीके से फ्लेक्स को चिपकाना है ताकि कहीं से भी उठी ना रहे। वीडियो की डिस्कशन जारी रहेगी लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करें। गैलेक्सी रिपेयरिंग आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अब हैंड फ्री के स्क्रू लगाएंगे और इसके बाद माइक के प्रोटेक्शन के स्क्रू लगाएंगे। ये देखें, ये स्क्रू लगा दिए हमने और इसके बाद चार्जिंग जैक के स्क्रू लगाएंगे। सबसे पहले ऊपर लगाएंगे। ये देखें, अच्छे तरीके से टाइट करने हैं और इसके बाद नीचे वाले स्क्रू लगाएंगे और नीचे वाले स्क्रू छोटे होने चाहिए। अगर बड़ा कोई स्क्रू लग गया तो इसके रिंग में इशू देगा।
अब ये देखिए रिंग वाले स्क्रू टाइट करेंगे, और अब वाइब्रेटर को रिंग में रखेंगे। ये देखें, और इसके भी स्क्रू लगाएंगे। और याद रहे कि इसके स्क्रू भी बड़े नहीं होने चाहिए। और अब रिंगर को इसके रिंग में फिट करेंगे, ये देखें। और इसके एंटीने को भी इसके रिंगर के साथ अच्छे तरीके से चिपका देंगे। और ये एहतियात रखना है कि ये जो एंटीना है इसके ऊपर आना चाहिए। ये देखें, और ये इसका स्क्रू लगाएंगे हम, ताकि अच्छे तरीके से स्ट्रिप के साथ लगा रहे। और अब सिग्नल एंटीने वाला स्क्रू लगाएंगे इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करेंगे। ये देखें, और अब कनेक्टर को बोर्ड के साथ कनेक्ट कर देंगे, चार्जिंग फ्लेक्स वाली। और अच्छे तरीके से दबाएंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। और अब LCD कैमरा स्ट्रिप और फिंगर स्ट्रिप को बोर्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, और अब इसे ऑन करके चेक करेंगे कि ये हमारी फ्लेक्स सही लग गई है। ये अब फ़ोन को मुकम्मल ऑन होने देंगे।